हेलो ऑल। तो आज हम लोग क्या करेंगे, सब एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम क्या करते हैं, हाइट्स और डिस्टेंसेस निकालते हैं। कोई भी चीज की हाइट निकालनी हो या वो एक चीज से दूसरा चीज कितना दूर है, वो हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से निकालते हैं। तो ये चैप्टर में जाने से पहले आप क्या करो, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, वो आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं आज के क्वेश्चन में। आज का क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। दो चीजों का बात हो रहा है, एक है हमारा ऑब्जर्वर जो कि देख रहा है और एक क्या है, चिमनी जो है खड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये ऑब्जर्वर उस चिमनी से कितना दूर में खड़ा है, 28.5 मीटर दूर में खड़ा है, और ऑब्जर्वर की हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। तो आपको क्या करना है, जो भी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं उसको आपको एक फिगर में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर आपने फिगर सही तरीके से बना दी तो आपको आंसर डेफिनेटली मिल जाता है। खाली क्या करना है, ये स्टेटमेंट को आपको फिगर के रूप में डिकोड करना है, बाकी इतना टफ नहीं होता। तो आप क्या करना है, एक ऑब्जर्वर दिया है 1.5 मीटर टॉल और एक चिमनी दिया हुआ है जिससे वो 28.5 मीटर दूर में खड़ा है। तो आप बताओ, ऑब्जर्वर भी कहां रहेगा, ग्राउंड में, और चिमनी भी कहां रहेगा, ग्राउंड में। तो आप क्या करो, पहले ग्राउंड बनाओ, ये हो गया मेरा ग्राउंड। ठीक है, अब ये जो ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा है 1.5 मीटर टॉल और चिमनी यहां पर है। ठीक है, आप कोई बोलेगा चिमनी बड़ा क्यों है, क्योंकि यहां पर एक दो वर्ड यूज किया है, एंगल ऑफ एलिवेशन, इससे हमको मालूम चल जाता है कि चिमनी का हाइट उससे बड़ा होगा। तो अब देखो मैं बताता हूं, तो हम पहले लिख लेते हैं ऑब्जर्वर इज 1.5 मीटर टॉल। तो हम लोग मान के चलते हैं ए बी क्या है, ऑब्जर्वर है और उसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। ठीक है, ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। सी डी को मैंने क्या ले लिया, चिमनी। ठीक है, और वो ऑब्जर्वर जो है वो चिमनी से कितना दूर में खड़ा है, 28.5 मीटर। तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई, 28.5 मीटर। ओके, अब क्या दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आई इज 45 मीटर। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी। देखो दो तरीके के एंगल्स रहते हैं, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, आप सपोज अपने घर में खड़े हो, मैं ऐसे खड़ा हूं, ठीक है, आप अपने घर में खड़े हो और अगर आप सीलिंग जहां पे टच कर रहा है ये सामने वाले वर्टिकल वॉल को, आप उसको देखते हो तो वो क्या बन जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। आप नीचे देखते हो तो क्या बन जाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखो ये जो आई की लेवल है ये हो जाता है बेस लेवल, इसके ऊपर हम जब देखते हैं तो क्या बन जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, और हम जब फ्लोर जहां पे वॉल को टच कर रहा है नीचे, हम उसको देखते हैं तो वो क्या हो जाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी, यहां पे उसका आई है और यहां से वो टॉप ऑफ द चिमनी को देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है, 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए मैंने जो बोला कि ये जो बेस लेवल है वो आपके पास रहना चाहिए, तभी वो एंगल बना पाएगा। तो ये हो गया मेरा बेस लेवल और ये हो गया मेरा एंगल। तो ये कितना दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम आवर आईज इज 45 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 45 डिग्री। अब वो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, हमको क्या निकालना है, हाइट ऑफ द चिमनी, और हाइट ऑफ द चिमनी क्या है, मेरा सी डी है। तो हम मान के चलते हैं हमारा ए बी क्या हो गया, ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर का हाइट कितना, ए बी ऑब्जर्वर मतलब आप लिखो हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है, ए बी इज द हाइट ऑफ ऑब्जर्वर और वो कितना हो गया मेरा 1.5 मीटर, मैंने लिख दिया। बी डी कितना है, 28.5 मीटर, क्योंकि इट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द चिमनी। और अब हमको निकालना है सी डी, और सी डी को हम लोग क्या ले रहे हैं, सी डी इज द, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, सी डी इज द हाइट ऑफ द चिमनी, सी डी इज द हाइट ऑफ द चिमनी। ठीक है, अब ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अब देखो मेरे को निकालना क्या है, सी डी। ठीक है, अब ये 1.5 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 1.5 मीटर, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल, हम लोग इसको लेते हैं ई। तो ए बी डी ई क्या बन जाएगा, एक तो रेक्टेंगल, क्यों रेक्टेंगल बन जाएगा, ये सी डी क्या है, फ्लोर पे 90 डिग्री रहेगा क्योंकि ये उसके ऊपर स्टैंड कर रहा है, और ये
ऑब्जर्वर भी इस पर स्टैंड कर रहा है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, और ये जो लाइन होता है एई, ये क्या होता है पैरेलल टू बीडी, फ्लोर के साथ क्या हो जाता है पैरेलल होता है, बेस लेवल क्या हो जाता है फ्लोर के साथ पैरेलल हो जाता है। तो आपका ये पैरेलल हो गया और ये दो एंगल 90 डिग्री हो गया, तो ये क्या बन जाता है एक तो रेक्टेंगल, तो ये 1.5 मीटर हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। ओके, तो अब कितना हो जाएगा ए ई डी बी इज अ रेक्टेंगल, इज अ रेक्टेंगल, देयरफॉर कितना हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू 1.5 मीटर। ठीक है, मतलब मेरे को निकालना क्या था सी डी, ये निकालना था हाइट ऑफ द चिमनी, सी डी निकालना था। तो मेरे पास जो अवेलेबल है उससे मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ वो मैं देख ले रहा हूँ। तो मेरे पास गिवन कंडीशन में 1.5 मीटर था, तो मैं ये देखा ये 1.5 मीटर इधर यूज हो जाएगा, तो डी ई तो मिल गया, बच गया मेरा क्या, बच गया क्या मेरा सी ई। अगर सी ई मेरे को मिल जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा सी ई में मैं क्या करूंगा 1.5 मीटर ऐड कर दूंगा, तो मेरा क्या हो जाएगा पूरा टावर ये चिमनी का हाइट निकल जाएगा। ठीक है, अब मेरे को सी ई निकालना है। ठीक है, अब ये एंगल भी क्या होगा 90 डिग्री, अब मेरे को सी ई निकालना है। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल आप बनाओ, तो उसमें आपका क्या क्या होता है, ये 90 डिग्री है, तो अगर ये एंगल आपको दिया हुआ है थीटा, तो थीटा के एंगल के ऑपोजिट वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, और एंगल जिस पर रेस्ट करता है वो क्या होता है बेस, और 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला क्या होता है हाइपोटेन्यूस। ठीक है ना, जो एंगल दिया रहता है जैसे यहाँ 45 डिग्री है, तो ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर, और 45 जिस पे रेस्ट कर रहा है वो हो गया बेस, और 90 का अपोजिट वाला हो गया मेरा हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब मेरे को देखो मेरे को चाहिए क्या सीई। ठीक है, अब मेरे को ये चाहिए परपेंडिकुलर चाहिए, अब मेरे पास बेस है क्या, हाइट है क्या, हाइपोटेन्यूस है क्या, वो देखना है। तो देखो ये 28.5 मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा 28.5 मीटर। एसी अननोन है, एसी नहीं है मेरे पास, है ना, तो मेरे को किसका हेल्प लेना पड़ेगा एई का, और एई की वैल्यू कहां से निकल गई, एई इज इक्वल टू बीडी, 28.5 ये हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा 28.5, रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अब देखो ये हो गया पी, ये हो गया बी, तो ट्रिग्नोमेट्रिक का कौन सा रेशियो है जो कि परपेंडिकुलर और बेस को रिलेट करता है, तो वो क्या हो गया टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा क्या हो जाता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो हम क्या करेंगे टेन थीटा इधर डालेंगे। ठीक है, वो डालने से पहले हम क्या कर देंगे AE कितना निकला हमारा, AE इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू 28.5 मीटर, हो गया ये निकल गया। अब हम जा रहे हैं परपेंडिकुलर और बेस को रिलेट करने के लिए, तो कितना हम डालेंगे इन ट्रायंगल AEC, इन ट्रायंगल AEC कौन सा एंगल यूज करना है आपको 1045 डिग्री, क्योंकि 1045 डिग्री परपेंडिकुलर बाय बेस को रिलेट करता है, ये हो गया मेरा हाइपोटेन्यूस। तो कितना हो जाएगा 1045 इज इक्वल टू सीई बाई एई, ठीक है 1045 डिग्री इज इक्वल टू सीई बाई एई, 1045 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अब 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1, विच इज इक्वल टू कितना हो गया सीई बाई एई, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो CE की वैल्यू कितनी निकलेगी AE के बराबर, और AE की वैल्यू कितनी थी 28.5, तो ये कितना हो गया मेरा 28.5 मीटर। अब वो पूछा था व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, CE मेरा निकल गया कितना 28.5 मीटर, तो हाइट ऑफ द चिमनी कितना है मेरा CD, तो हाइट ऑफ द चिमनी, हाइट ऑफ द चिमनी इज CD, CD is equal to CE plus ED, तो CE plus ED, CE कितना निकला मेरा 28.5 मीटर, और ED हम लोग निकाले थे 1.5 मीटर, तो ये कितना हो गया 28 plus 1 29.5.51, तो कितना हो गया 30 meters। ठीक है, तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था, मैंने थोड़ी सी इसमें अंडरस्टैंडिंग डालने की कोशिश की है, आप मेरे साथ बने रहिए मेरे आगे वीडियोस के लिए, और ये जो हाइट एंड डिस्टेंस की चैप्टर है मैं इसकी प्लेलिस्ट बनाया हूँ मेरे चैनल पे, वो प्लेलिस्ट में आप जाइए, उसके बाद हम क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप
हम लोग क्या करेंगे, थोड़े से टफ क्वेश्चंस में जाएंगे और हाइट एंड डिस्टेंस को अच्छे से हम लोग समझ के रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।